Hello friends, welcome back to my channel. This is Shashank Jain, co-founder of Woodofa Interiors. आज का जो मेरा टॉपिक है ये हर घर में नेसेसिटी है, वॉल क्रैक्स. यस, हम जो हमारी दीवारों पे छोटे छोटे वॉल क्रैक्स या हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं तो उनको कैसे फिल करें या उनको कैसे डेकोरेट करें कि जिससे वो हमें परेशान ना करें. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ज़रूर क्लिक करिएगा. अब मैं बात करता हूँ इन वॉल क्रैक्स के बारे में. आपने देखा होगा कि आपके घर में छोटे थोड़े कई कई जगह पर छोटे छोटे वॉल क्रैक्स या हेयरलाइन क्रैक्स आ जाते हैं, चाहे वो पेंट के क्रैक्स हों या फिर प्लस्तर के क्रैक्स हों. जनरली ये छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं हर घर में. सबसे पहला तरीका इसको फिल करने का है, आप एक अच्छा सा वॉल पेपर उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए. सो जो भी क्रैक है, जो भी एलिमेंट है, और वो अगर बार बार आ रहा है तो वो पीछे छुप जाएगा और आपको ऊपर एक सुंदर वॉलपेपर दिखने लगेगा. सेकंड टिप इज यूज फ्रेम्स. अगर जरूरत लगे तो आप मल्टीपल 1, 2, 3, 4 या 2 या 3 या 4 फ्रेम्स या फोटो फ्रेम्स या फिर पेंटिंग्स लगा सकते हैं. आप उसमें गलती ना करें तो हमेशा कोशिश करें उस एरिया की लुक एंड फील को देखते हुए एक स्लीक फ्रेम लगा लीजिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ लगा लीजिए या फिर एक ब्लैक फ्रेम लगा लीजिए, उसके साथ वो आपका रूम का डेकोर अच्छा लगेगा. तीसरा टिप इसके ऊपर है, अगर ज़रूरत लगे तो आजकल ना वॉल ड्रेपरी बहुत फेमस है, तो जैसे हम कर्टेन और ब्लाइंड्स देखते हैं उसी तरीके से वॉल ड्रेपर्स भी आते हैं. तो आप उस, अगर आपके पास बहुत बड़ा क्रैक है तो आप उस बड़े क्रैक के ऊपर एक वॉल ड्रेपर या फिर एक बड़ा जिसके ऊपर कर्टेन या ब्लाइंड की तरह एक कपड़ा हो तो वो लगा सकते हैं उस वॉल पे. चौथा, अगर आपको लग रहा है कि ये क्रैक बहुत सीरियस है और ये काफ़ी बड़ा क्रैक है और इसके अंदर से काफ़ी हद तक प्लास्टर गिर चुका है, तो आप घबराइएगा नहीं और किसी एक प्रोफेशनल को बुला लीजिए, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या फिर एक आर्किटेक्ट या फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर अपने लोकल ठेकेदार को भी बुला के उसको चेक करा सकते हैं. उसके साथ मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लाइक डॉक्टर फिक्सिट के कुछ कंपाउंड्स हैं. अगर वो स्ट्रक्चर के डिफेक्ट्स होंगे तो वो उससे फिल किए जा सकते हैं, और अगर वो पेंट के डिफेक्ट्स हैं तो सीलर और फिलर लगा के उसको भी कवर किया जा सकता है. माय नेक्स्ट टिप इज़ यूजिंग अ पीवीसी पैनल और अ वॉल डेकोर. सो क्या होता है कि अगर आप कोई अच्छा वॉल डेकोर एलिमेंट, कोई एक मेटल फ्रेम या एक बड़ी पेंटिंग लगा लें तो भी बहुत अच्छा लगेगा. उसकी जगह आप मिरर्स या कुछ पैटर्न्स भी लगा सकते हैं. और अगर आपको ये सब कुछ नहीं लगाना तो पीवीसी के कुछ पैनल्स आते हैं आज मार्केट में, विच इज़ 12 इंचेस 12 इंच चौड़े होते हैं और 8 या 9 फुट लंबे होते हैं. तो आप उनको भी डायरेक्टली उस वॉल पे लगा सकते हैं, चाहे वहाँ पर वो सीलन आ रही हो या वहाँ पर वो क्रैक्स हों, तो आप इन दोनों जगह पर इन पीवीसी पैनल्स को लगा सकते हैं. माई लास्ट एंड द लीस्ट टिप इज़, अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसके ऊपर टाइल्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं. तो अगर आपका वो एरिया काफ़ी बड़ा है और आप बार बार उसको भर चुके हैं पर वो बार बार क्रैक की तरह फॉर्मैप जनरेट हो जाता है या सीलन उधर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप टाइल्स लगा दीजिए. तो आजकल बहुत सुंदर सुंदर मार्बल के टाइल्स और मार्बल की लुक अलाइक टाइल्स आते हैं, या फिर आप वुडन टाइल्स भी लगा सकते हैं. सो देर आर वेरियस पैटर्न इन द मार्केट जो आप इस पर लगा सकते हैं, तो उस पूरी वॉल को या उस पूरे क्रैक को आप कवर कर सकते हैं यूजिंग अ टाइल प्लेसमेंट. गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई वॉज ट्राइंग टू शेयर मोर अबाउट द क्रैक्स. So if you like it, kindly subscribe to my channel और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करें. कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और हम इसके अंदर और क्या इम्प्रूव करें फॉर आपके नेक्स्ट वीडियो एंड टॉपिक्स के लिए. थैंक यू.